आइए हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और एक और चीज बता दो, अगर आपको क्लासेस छोड़नी है तो अभी छोड़ दो, कार्डियक साइकिल वाले दिन क्लास मत छोड़ो, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसीबत और सबसे ज्यादा क्वेश्चन लोग कार्डियक साइकिल को समझने में ही करते हैं और कहते हैं सर कार्डियक साइकिल समझ में नहीं आ रही, कैसे सिस्टोल डायस्टोल है। आज हमने 2 घंटे में कार्डियक साइकिल पढ़ी, लेकिन ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक हम लोग हुए, और उस दिन मुझे कोई जल्दी नहीं रहेगी। आप भी थोड़ा जल्दी में मत आइएगा, आइए टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और आज भी मुझे कोई जल्दी नहीं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मुख्यतः 2 बातें आपको पढ़नी है, क्योंकि ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है। कल ही मैंने पढ़ा दिया था 2 प्रकार के, एक ओपन और एक क्लोज। और अगर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है तो एक कांस्टेंट चीज है जो हर जगह होती है, बोलो क्या? हार्ट। बोलो क्या? हार्ट। एवरीवन हैव द हार्ट। जितने लोगों के पास सर्कुलेटरी सिस्टम है कॉर्डेटा में, सबके सब हार्ट रखते हैं, सो वी हैव द हार्ट। इसके अलावा हम लोगों ने रखी है ब्लड वेसल्स, हमारे पास ब्लड वेसल्स भी है। अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हार्ट में है 4 चैम्बर, सो वी हैव द 4 चैम्बर्ड हार्ट। यहां से उठो और कहीं पंखे वाली जगह देखो और वहां बैठो, वरना पंखा वंखा यहां मत करना। 4 चैम्बर्ड हार्ट है। और ब्लड वेसल्स हमारे पास 2 प्रकार की हैं, एक का नाम है आर्टरी और एक का नाम है वेन। इसके पहले हम आगे पढ़े और हम हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़े और बाकी चीजें पढ़े, हमको खाली इतना मतलब रखना। वैसे मैं 2-4 बार बता चुका हूं उसको, एक बार और सुन ले। जस्ट बिकॉज वी हैव द डबल सर्किट हार्ट, बोलो, तो हमारा एक सर्किट चल रहा है लंग्स और हार्ट के बीच में। किसके बीच में? लंग्स और हार्ट के बीच। और एक चल रहा बॉडी और हार्ट के बीच, बॉडी और हार्ट। मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से बात आपको बार बार पढ़ा रहा हूं। मैंने आपको पढ़ाया है कि हार्ट से लंग की तरफ ब्लड जाएगा, लंग से हार्ट की तरफ आएगा, एक सर्किट पूरा हुआ। कहां से? हार्ट से लंग और लंग से हार्ट, ठीक ऐसे ही बॉडी से हार्ट और हार्ट से बॉडी, दूसरा सर्किट। पहला सर्किट बोलो, हार्ट से लंग, लंग से हार्ट, एक सर्किट कंप्लीट। दूसरा सर्किट, बॉडी से हार्ट, हार्ट से बॉडी, दूसरा सर्किट। इसका मतलब ब्लड की तरफ चीजें, हार्ट की तरफ चीजें आ भी रही हैं और जा रही हैं। बस हमको एक चीज सिखानी, बाकी मैं सिखा लूंगा। अगर कोई भी ब्लड वेसल, कोई भी ब्लड को हार्ट की तरफ लाए, ब्लड को हार्ट की तरफ, तो ये ब्लड को हार्ट की तरफ लाए, ये ब्लड को हार्ट की तरफ लाए, तो याद रखना दीज आर नोन एज वेन्स। एक ही रूल है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड से मतलब कुछ नहीं होता। वो सारी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को किधर ले जाएं, दे आर नोन एज वेन्स। और वो सारी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से आवे ले जाए, कहां से आवे? हार्ट से आवे, पास की दूर, हार्ट से दूर, दीज आर नोन एज आर्टरी। फिर से बोलो, आर्टरी, दीज आर नोन एज आर्टरी। तो व्हाट इज आर्टरी? जो ब्लड को किधर लाए, हार्ट की तरफ, दीज आर नोन एज वे। और जो ले जाए, जो लेके आए, अगर इतना चीजें तुम्हें आती हैं तो मैं अपने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को बिना किसी देरी से स्टार्ट कर सकता हूं। तो बताओ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने पार्ट? एक कौन? हार्ट। दूसरा कौन? ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल में कितने प्रकार की ब्लड वेसल? 2। एक कौन? आर्टरी। एक वेन। आर्टरी और वेन की डेफिनेशन याद है? व्हाट इज आर्टरी? Which carry blood?
टूवर्ड्स हार्ट और अवे, अवे फ्रॉम हार्ट. व्हाट इज वेन विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स? पक्का? और बता, हार्ट के बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना चाहिए. आइए, इससे जुड़ी हुई जितनी बातें हैं आज हम सब खत्म करते हैं. याद रखना, ह्यूमन हार्ट पढ़ाने के पहले मैंने आपको थोरेसिक कैविटी पढ़ाई थी, याद है? थोरेसिक कैविटी पढ़ाते वक्त मैंने आपको लंग्स पढ़ाए थे, याद है? थोरेसिक कैविटी की बाउंड्रीज पढ़ाई थी, किसी को याद है? ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, और ये पक्का? तो बोला जाता है ह्यूमन हार्ट प्लेस्ड इन थोरेसिक कैविटी. ये थोरेसिक कैविटी में प्लेस्ड है, बिटवीन लंग्स. लंग्स के बीच में प्लेस्ड है. कैसे प्लेस्ड है? होता यूं है, पहले आपको लंग्स देखने चाहिए. आपके पास लंग्स कितने पेयर? आप कुछ ने बोला दो पेयर. दो पेयर की एक पेयर, एक पेयर. अच्छा, एक पेयर में एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड. तो हमें मालूम है कौन बड़ा है? राइट साइड. लेफ्ट साइड की राइट साइड? राइट साइड. और आपको मालूम है लेफ्ट साइड में एक नॉच है. नॉच है, और इस नॉच का नाम क्या? ये कार्डियक नॉच है. यस. तो ये नॉच क्यों है? क्योंकि यहां पर क्या प्लेस होगा? हार्ट प्लेस होगा. यस. अब ध्यान सुनना, दो लंग्स के बीच का स्पेस इट इज नोन एज मीडिया स्टाइनम. फिर से बोलो, मीडिया स्टाइनम शब्द याद रखना. इट इज स्पेस बिटवीन लंग्स. इन लंग्स के बीच का स्पेस है. इसी लंग के बीच के स्पेस में हार्ट इज प्लेस्ड बिलो द स्टर्नम. मेरे साथ बोलो, हार्ट इज प्लेस्ड. फिर से बोलो. तो जितने लोग भी बोलते हैं कि हमारा दिल बाईं तरफ है, दाईं तरफ है, उसे करेक्ट करें, खींच के लाएं. कहाँ है? बिलो द स्टर्नम. बिलो द, बट इट इज टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट. लेफ्ट किधर? लेफ्ट. और इसी वजह से नॉच बनी. कौन सी नॉच? कार्डियक. तो बता प्लेसमेंट क्या है? लेफ्ट साइड. बिलो द स्टर्नम. बोलो मेरे साथ. यस, बिलो द स्टर्नम. यानी आपका जो हार्ट है इट इज प्लेस्ड बिलो द स्टर्नम, लेकिन टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट लाइक दिस. तो पहला पॉइंट एनसीईआरटी यही लिखती है, इट इज प्रेजेंट बिलो द स्टर्नम एंड टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट. ये लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है एंड इट्स एनाटॉमिकल पोजिशन इज अपसाइड डाउन. पेन रोको और सुनो फिर लिखो. एनाटॉमिकल पोजिशन इज, तो जो इसका ऊपर हिस्सा है वो एक्चुअली हार्ट का ऊपरी हिस्सा है कि नीचे वाला? नीचे वाला. याद रखना, बेसल पोर्शन ऊपर और एपिकल पोर्शन नीचे. तो वेंट्रिकल आर एपेक्स, वेंट्रिकल आर एपेक्स, एट्रियम आर. मन नहीं मान रहा, बोलो हमारे साथ. याद रखना, अपसाइड डाउन का मतलब है बेसल चीजें ऊपर है और एपेक्स चीजें जो है वो नीचे हैं. इसका मंदा मंदा पैर पे खड़ा है कि सर पे? सर. एपेक्स पे खड़ा है, इसीलिए बोलते हैं द एपेक्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. बेस की एपेक्स? एपेक्स. नहीं आया ना? हाँ सर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इतना मुश्किल मत करो. हार्ट कैसा है? सीधा की अपसाइड डाउन? यानी सीधा होता तो बेस कहाँ होता? नीचे. एपेक्स ऊपर. मेरी खोपड़ी एपेक्स है, मेरे पैर बेस. अब हार्ट का बेस क्या है? एट्रिया. एपेक्स क्या है?
वेंट्रिकल। तो बताओ वेंट्रिकल ऊपर है कि नीचे? नीचे। और एट्रिया? ऊपर। तो इट इज अ सीधा कि उल्टा? उल्टा। और उल्टा तो अंग्रेजी में अप साइड डाउन, जो चीज अप होनी चाहिए थी उसका है डाउन। सर नहीं प्लीज ऐसे मत करो। बताओ किस तरफ गया है? लेफ्ट साइड। कौन गया है? हार्ट का बेस की अपेक्स? एपेक्स। बेस की अपेक्स? एपेक्स। सो एपेक्स इज टुवर्ड द लेफ्ट साइड। याद रखना। कई लोग मुझसे पूछते हैं सर कि हमको आपने एक चीज पढ़ाई थी, बताओ क्या पढ़ाई थी? अभी मैं बताता हूं क्या पढ़ाई थी, कि लंग्स का अपना एक मेम्ब्रेन होता है। यस और नो? कुछ नहीं नो। प्लूरल मेम्ब्रेन, याद है? Yes, और ये प्लूरल मेम्ब्रेन लंग्स में चपकी होती है? नो yes, सर no, yes, और इसके अलावा ये चेस्ट में भी चपकी होती है? yes, हाँ, किसी को याद आ गया सर? हाँ बताया था। क्या ये चेस्ट में भी चपकी होती है? yes, बताओ इस प्लूरल मेम्ब्रेन की कैविटी का नाम? प्लूरल कैविटी। अभी तो मेरा मन कर रहा है कि पूछे और मारे। प्लूरल कैविटी है? yes, और प्लूरल कैविटी की कितनी मेम्ब्रेन? दो। एक पैराइटल प्लूरा, शाबाश, पैराइटल प्लूरा। किसी को लगेगा हार्ट पढ़ाते पढ़ाते लंग्स में क्यों घुस गए, क्योंकि मैं तुमको याद दिलाना चाह रहा हूं। और एक ये वाली विसरल प्लूरा, हाँ विसरल प्लूरा, और पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में हवा की बेटा वाटर, वाटर फ्लूड फील्ड, बोलो फ्लूड। इस फ्लूड का नाम प्लूरल फ्लूड, याद रखना। कौन सा फ्लूड? प्लूरल। कभी तुमने अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछा कि लंग्स को ऐसे क्यों रखा गया, क्योंकि जिस दिन तुम दौड़ोगे उस दिन तुम्हारा लंग्स किससे टकराता? चेस्ट से, पसलियों से। किससे? पसलियों से। बचता कि टूट जाता? इसलिए तुम्हें एक बायोंसीदार बैग में रखना पड़ेगा, बैग। और उस बैग में क्या भरना पड़ेगा? पानी। पानी का नाम प्लूरल फ्लूड। इसी तरीके से हार्ट भी है। कौन है? हार्ट। हार्ट को भी आप चारों तरफ से कवर करते हो, चारों तरफ से कवर करना ही पड़ेगा। एंड द हार्ट इज प्लेस्ड इन अ कैविटी नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी। फिर से बोलो, हार्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द पेरिकार्डियल कैविटी। पेरी मतलब पेरीफेरी, कार्डियम मतलब हार्ट, क्योंकि हार्ट का दूसरा नाम होता है कार्डियम। बोलो कार्डियम। तो याद रखना पेरिकार्डियल कैविटी एंड द फ्लूड इनसाइड द पेरिकार्डियल कैविटी इट इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूड। फिर से बोलो। नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। पेरिकार्डियल कैविटी, और इस फ्लूड का नाम है पेरिकार्डियल फ्लूड। ये एनाटॉमिकल पोजीशन अगर आपको समझ में आ जाए तो मेरा काफी काम हो जाएगा। बताओ लंग्स इज प्लेस्ड इन थोरेसिक कैविटी, सॉरी लंग्स तो थोरेसिक कैविटी में है ही है, हार्ट भी। तो हार्ट किसके बीच में? लंग्स के। लंग्स के बीच के इस स्थान का नाम मीडिया। क्या लंग अपनी एक बैग में है? बैग का नाम प्लूरल कैविटी। बोलो क्या? प्लूरल। क्या इसका नाम प्लूरा है? इसी तरह हार्ट का भी अपना एक बैग है? हार्ट के इस बैग का नाम पेरिकार्डियल कैविटी। फिर से बोलो। और इस फ्लूड का नाम पेरिकार्डियल फ्लूड, और इस दोनों को मिलाकर पेरिकार्डियम। बोलो व्हाट इज कार्डियम? हार्ट। व्हाट इज पेरी? पेरिफेरी। तो बताओ हार्ट के चारों तरफ का स्ट्रक्चर पेरिकार्डियम। अभी मैंने कोई स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर नहीं बनाया, केवल एनाटॉमी पूछी है। बता पाओगे तो मेरा काम बन जाएगा। बता पाओगे? हाँ बताओ। हार्ट प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, एब्डोमेन में कि थोरैक्स में? थोरैक्स याद है? ऊपर बेस आ, नीचे बैक आ, एक्सटर्नल कैटेगरी रिब्स। इस बंद कैविटी का नाम थोरैक्स। इसी में लंग्स हैं राइट और लेफ्ट। तो हार्ट भी दो हो गए,
हार्ट कितना? एक। दोनों लंग्स के बीच में है? यस और नो? यस। ये बंद मुट्ठी के बराबर का साइज है, कितना? बंद मुट्ठी, इट इज अबाउट क्लेंच फिस्ट साइज। क्लेंच मतलब बंद और फिस्ट मतलब मुट्ठी। एडल्ट मेल या एडल्ट फीमेल अपनी मुट्ठियां बंद करें और अपने हार्ट का साइज पता करें, इट इज लाइक दिस, ओके। और इसका प्लेसमेंट, इसका प्लेसमेंट टुवर्ड्स बिलो द स्टर्नम, टुवर्ड्स और टिल्टेड टुवर्ड्स, प्लेस टुवर्ड्स की टिल्टेड, टिल्टेड। और इसका बेस प्लेस टिल्टेड है कि अपेक्स? अपेक्स। किधर? रिब साइड की राइट साइड। और इसके चारों तरफ है कैविटी, नाम बताओ? पेरिकार्डियल कैविटी। इसमें फ्लूड है? फ्लूड का नाम पेरिकार्डियल फ्लूड। फिर से बोलो। अब अगर मैं इस हार्ट को अलग से पढूं तो तुम इसको एज्यूम कर पाओगे कहां पर है? हटा दें इसे। चलो भाई इसको हटाते हैं। बोलते हैं जब भी आप हार्ट को देखेंगे तो आपको हर हार्ट के चैम्बर में आपको एक वॉल मिलेगी, दिस इज द वॉल। और इन वॉल को हम लोग बोलते हैं कार्डियक वॉल। बोलो क्या बोलते हैं? कार्डियक। सोना नहीं भाई, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, लोरी अच्छी सुनने में तुमको नींद भी बड़ी अच्छी आती। तो हार्ट की वॉल का नाम, तो अगर मैं बोलूं कार्डियक वॉल के बाहर एक कैविटी है, याद है? तो बताओ इस कैविटी का नाम? हाँ, पेरिकार्डियम। तो मैं पेरिकार्डियम पढ़ा रहा हूं कि कार्डियक वॉल? और कार्डियक वॉल का सबसे बाहरी लेयर, बोलो कौन सा? बाहरी। इट इज नोन एज एपिकार्डियम। फिर से बोलो। एपिकार्डियम। इसके बाद बीच वाला लेयर, दिस कार्डियक वॉल का बीच वाला लेयर, इट इज नोन एज मायोकार्डियम। मायो मतलब मसल, कार्डियम मतलब हार्ट, हार्ट की मसल। किसी को मालूम है हार्ट की मसल का दूसरा नाम? कार्डियक मसल। फिर से बोलो। वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री? इनवॉलेंट्री। स्मूथ की स्ट्राइडेड? स्ट्राइडेड। स्मूथ, स्मूथ की स्ट्राइडेड? स्ट्राइडेड। स्ट्राइडेड होने के बावजूद भी वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री? इनवॉलेंट्री। और कभी थकान? जब से आई है तब से कांटेक्ट कर रही है। और इनमें इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है। किसी को लग रहा होगा पता नहीं किस भाषा में बात कर रहे हैं सर। यस सर, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं। बताओ मसल कितने प्रकार की? तीन मसल है। एक कौन? स्मूथ। एक स्केलेटल और एक कार्डियक। खड़ा करो इनको। यस हाँ, तीनों मसल के नाम। पीछे वाले बैठ जाओ। लिखने ही सही क्या होगा, ये तो सर लिख लें, वो पुराना नहीं आता तो क्या होगा। कितने प्रकार की मसल? एक कौन? स्मूथ मसल और एक स्केलेटल मसल और एक कार्डियक, जो हड्डियों से जुड़ी हैं। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सारी मसल स्केलेटल हैं। इनको कांटेक्ट करने की क्षमता है। वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री? वॉलेंट्री। याद करो डाइजेस्टिव सिस्टम, याद है? सबसे पहले सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा। सेरोसा के अंदर दो मसल थी, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, और वो स्मूथ थी। और हम अपनी इंटेस्टाइन से कहते कांटेक्ट करो, रिलैक्स करो, तो कह रही हाँ हो सकता है, ऐसा पॉसिबल। तो वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री? स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल, जब मरीज आओगे कांटेक्ट कर सकते हो। और इन दोनों के बीच की कार्डियक, जिनका स्ट्रक्चर है स्ट्राइटेड। कैसा? स्ट्राइटेड। धारियां हैं? लाइट बैंड, डार्क बैंड, धारियां हैं। तो क्या स्केलेटल मसल में भी धारियां थी? तो कार्डियक मसल में भी धारियां हैं, लेकिन स्केलेटल मसल कैसी थी? वॉलेंट्री। और ये कैसी है? इनवॉलेंट्री। अभी भी कुछ बैठे हैं स्तनपात में, पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे। मेरे साथ रहो नहीं तो पीछे छूटना तय है।
तो बताओ हार्ट में पाई जाने वाली मसल कहाँ पाई जाएगी? मायोकार्डियम। फिर से बोलो, मायोकार्डियम। और हार्ट की सबसे अंदर वाली लेयर इट इज नोन एज एंडोकार्डियम। फिर से बोलो, तो बताओ हार्ट की वॉल में कितनी लेयर? तीन। एक कौन? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। यस और नो? आई देन बाबू खड़े, यूट्रस के वॉल में तीनों लेयर बताओ, तुम्हें बहुत जमाई आ रही है। पूरी मेट्रियम का नाम द कंबाइनेशन ऑफ ऑल थ्री लेयर इज नोन एज, इट वॉज नोन एज पेरीमेट्रियम। और वो गलती यहां मत कर बैठना कि इन तीनों वॉल का मिलाकर पेरिकार्डियम कह दो, नहीं समझ में आया? बिकॉज पेरिकार्डियम इज अ कैविटी। इस बोलो, बैठो, तो बताओ कितनी लेयर? कौन? एपिकार्डियम। मजा नहीं, बताओ सबसे बाहर पेरिकार्डियल कैविटी है। पेरिकार्डियल कैविटी के बाद हार्ट वॉल है। हार्ट वॉल में कितनी लेयर? तीन। सबसे बाहर एपिकार्डियम, बीच में मायोकार्डियम, अंदर एंडोकार्डियम। पक्का? बस इतना बता दो तो मैं आगे बढ़ू। हार्ट कहाँ प्रेजेंट है? दो लंग्स के बीच। दो लंग्स के बीच में है। दोनों लंग्स के बीच में एक स्पेस है। yes, नाम है मीडियस। स्टर्नम के नीचे टिल्टेड टुवर्ड्स नींद आ रही लेफ्ट। कैविटी का नाम पेरिकार्डियम। फ्लूइड का नाम पेरिकार्डियम। उसके अंदर हार्ट है डेढ़ टन का, एक बंद मुट्ठी के बराबर है। उस बंद मुट्ठी के बराबर को हार्ट को प्लेस किया गया है कहां पर? कार्डियम, याद रहेगा। और बेटा इस कार्डियम, इस हार्ट में, इस हार्ट में वाल है। क्या है? वाल। और वाल की कितनी लेयर? तीन। वन इज पेरिकार्डियम। बिटिया पथरा वथरा लेके आया करो और सीधे मुंह पे मारा करो मेरे, उल्टा जवाब मत दिया करो। वो चोट कम लगेगा, ये चोट ज्यादा लगती है। तीन लेयर है। एक कौन? एपिकार्डियम। और हार्ट सीधा है कि उल्टा? बेस ऊपर, एपेक्स। देखना पानी गिरेगा। अब 2 साल से वो ओमेगा के साथ है, अब ये तो बारी जाके ओमेगा कहां कहां से लीक कर रही है। आइए जब आप हार्ट को देखेंगे अब बिल्कुल शांत होकर के सुनिएगा। अब मैं आपसे रिपीट करूंगा ही नहीं, बाकी तुम लोग सो जाओ क्योंकि पीछे वाले एकदम सोने के मूड में। चार गर्मी लग रही तो हमें बहुत सर्दी लग रही, और ऊपर से हमने जैकेट पहनी हुई है, बटवा दो। आपके बेस में दो चैम्बर है, देयर आर टू चैम्बर एंड द बोथ चैम्बर आर नोन एज एट्रियम। अरे सुन ले गधे, इधर देख, ये सब जाती है ऑनलाइन में, लोग कहेंगे टीचर गाली देता है। और ये किसी कोई नहीं देखेगा कि बच्चे हमें कितना परेशान कर रहे। दो एट्रियम है और भैया दो वेंट्रिकल है। याद रखना दोनों एट्रियम के बीच में यस एक सेप्टम है, इसका नाम है इंटर एट्रियल सेप्टम। ये स्ट्रक्चर में 4-5 बार बनाऊंगा क्योंकि ये एक बार में देखने लायक ही नहीं बनेगा। बोलो कौन सा? इंटर एट्रियल सेप्टम। दोनों एट्रिया के बीच में सेप्टम और इसका नाम है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। कितने एट्रिया?
और कितने वेंट्रिकल? दो। एट्रिया छोटे हैं, वेंट्रिकल बड़े हैं। मैंने दो को लगभग बराबर बनाए, मैं पहले से बोल दे रहा हूं, क्योंकि मेरे को इसके अंदर और स्ट्रक्चर ठूसने हैं, फिर मैंने छोटा कर दिया तो और छोटा हो जाएगा, लेकिन लिखना है कौन छोटे, हाँ एट्रिया, कौन बड़ा वेंट्रिकल, कितने चैम्बर हैं? चार, दो एट्रिया दो वेंट्रिकल। अगर मैं बॉडी में इसको एनाटॉमिकली प्लेस करूं, एनाटॉमिकली, तो मेरी बॉडी को मैं देख रहा हूं, ये वाला हाथ राइट, फिर से बोलो राइट, और ये वाला लेफ्ट, फिर से बोलो राइट लेफ्ट, तो ये वाली साइड राइट, ये वाली लेफ्ट, सो दिस इज नोन एज राइट एट्रियम, बोलो right. तो ये वाला क्या होगा? राइट वेंट्रिकल, फिर से बोलो राइट वेंट्रिकल, सो ये दोनों साइड राइट साइड में, एंड नाउ दिस इज नोन एज लेफ्ट एट्रियम। कुछ लोग कहेंगे हाँ हाँ आगे बढ़ो, बहुत अच्छी तरीके से आता है, वो मुझे मालूम है तुम्हें कितना आता है। और दूसरा है लेफ्ट वेंट्रिकल। आज के बाद जब भी दोबारा हार्ट पढ़ोगे, मेरे कहने पर, मेरी जिद पर, आप एक हॉरिजेंटल लाइन खींचोगे, और जो एट्रियम और वेंट्रिकल को आपस में अलग अलग करते हो, ये करोगे ही। याद रखना इस लाइन के ऊपर, मैंने हार्ट का ऊपर नहीं बोला, क्या बोला? हार्ट का जो हिस्सा है वो बेसल है, बोलो कैसा है? बेसल। और इस लाइन के नीचे एपिथेलियम, पक्का? तो जो ऊपर वाला पोर्शन है इस लाइन के, हार्ट के नहीं लाइन के, इट इज नोन एज कलेक्टिंग चैम्बर, बोलो क्या? इट इज अ कलेक्टिंग चैम्बर। तो बताओ ये दोनों के दोनों एट्रियम, अरे जो मैं बोलता हूं वो तो बोल दिया करो, याद रहेगा? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, दे कलेक्ट द ब्लड, दे सौरभ इससे कह दो कि बात ना करो, तुम भी मत करो, उसको भी समझा दो, और बोलो कि सुनील सर की 10 आंखें और है, याद रखना एट्रियम हमेशा से कलेक्टिंग चैम्बर रहे, इनका मेन काम है ब्लड को कलेक्ट करना, बोलो क्या काम है? ब्लड को कलेक्ट, और ब्लड को कलेक्ट करते हैं ये दो वेना केवा से, ऊपर वाली सुपीरियर और ये इंफीरियर, इट इज नोन एज सुपीरियर वेना केवा एंड इट इज नोन एज इंफीरियर वेना केवा। और सुपीरियर और इंफीरियर इनकी हार्ट की पोजीशन के हिसाब से, अब तुमने बहुत पढ़ लिया, अब इधर देखो, हार्ट के ऊपर का जो बॉडी पार्ट है वहां से ब्लड लेके आना है, तो कौन लेके आएगी? सुपीरियर। नेक्स्ट से सुपीरियर, नेक्स्ट से सुपीरियर, बताओ जॉ से सुपीरियर, फेस से सुपीरियर, ब्रेन से सुपीरियर। तो सुपीरियर ऊपर वाले पार्ट का ब्लड कलेक्ट करेगी कौन? सुपीरियर वेना केवा। और हार्ट के नीचे थोरैक्स, थोरैक्स एब्डोमेन, इंग्वाइनल रीजन, लेग्स, यहां से ब्लड कलेक्ट करेगी कौन? इंफीरियर। यस, तो दोनों का काम बेटा ब्लड कलेक्ट करना है, और बॉडी से ही, कहां से? लेकिन बॉडी को कितने हिस्से बांटा गया? दो, एक ऊपर और एक नीचे। किसके ऊपर? हमारे घर के, हार्ट के ऊपर और हार्ट के नीचे। तो हार्ट के ऊपर वाला पोर्शन नेक, हेड, यहां से ब्लड आएगा तो कहां पर है? सुपीरियर। और इसके नीचे इंफीरियर। तो मैं बोलूं मेरे इंटेस्टाइन का ब्लड कौन लेके आ रहा है? लेके आ रही हो? मैं बोलूं कि मेरे लंग्स का, सॉरी मेरे यू नो द किडनी का ब्लड? इंफीरियर। इंग्वाइनल रीजन? पक्का? मैंने बोला मेरे नोज का ब्लड? आई का? ब्रेन का? आपको बहुत सारी चीजें आती है, मुझे वो ऐड करने दीजिए जो आपको नहीं आता, मजा आएगा, आप एक्टिव रहो। सुपीरियर भी कलेक्टिंग है और इंफीरियर भी कलेक्टिंग है, और दोनों कहां से लेके आ रहे हैं? बॉडी से। हाँ,
तो सुपीरियर भी बॉडी से, इंफीरियर भी बॉडी से, ये बॉडी के अपर की लोअर, अपर और ये लोअर। बचा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम इज गोइंग टू टेक ब्लड फ्रॉम यू नो लंग्स, बोलो कहां से लंग्स, ये लंग्स से ब्लड लेकर के आ रही है, लंग्स से ब्लड को लेकर के आ रही है, और चूंकि लंग्स को बोलते हैं पल्मोन, बोलो पल्मोन, और जो लेके आए वो वेन, पहले पढ़ाया था, जो लेके आए वेन, जो लेके जाए, तो बताओ ये लंग्स से आने वाली वेन है, नाम है पल्मोनरी वेन, फिर से बोलो पल्मोनरी, तो बताओ इन्होंने क्या किया, कलेक्ट, और इन्होंने क्या किया कलेक्ट, तो राइट एट्रियम कलेक्टिंग और लेफ्ट एट्रियम भी कलेक्टिंग, कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद ये ब्लड, अभी मैंने पूरा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया, मैं एक एक करके तीन बार इसको बनाऊंगा, और जब तीसरी बार बनाऊंगा तो कंप्लीट माना जाएगा, अभी मत बोलना कि सर ने वॉल नहीं बताया, दीवार नहीं बताया, वो मेरा तरीका है, आपको ज्यादा आता तो आप दूसरे पे गलतियां बहुत निकाल देते। एट्रियम का ब्लड आया वेंट्रिकल में, कहां पर आया वेंट्रिकल, राइट से राइट से राइट और लेफ्ट से लेफ्ट, याद रखना इस लाइन के नीचे, मैंने कहा हार्ट में नीचे, ये तो हार्ट का एपेक्स है, यस और नो, तो इस लाइन के नीचे जो पोर्शन है हार्ट का, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग, बोलो क्या, यानी इसका काम है ब्लड को कलेक्ट करना कि डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट, याद रखना जो राइट साइड है, बोलो कौन सा, राइट साइड का जो वेंट्रिकल है, यहां से एक ग्रेट आर्टरी निकालेगा, मेरे साथ बोलो कौन सी आर्टरी, फिर से बोलो ग्रेट आर्टरी, उसका नाम इसलिए है क्योंकि बेटा वो बहुत चौड़ी आर्टरी है, और ये ग्रेट आर्टरी निकलेगी वेंट्रिकल से, किससे निकलेगी वेंट्रिकल, और ब्लड को कलेक्ट करेगी डिस्ट्रीब्यूट, और ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी लंग्स को, किसको बेटा लंग्स, और लंग्स होते हैं छह, दो, मैं फिर से बता दूं माय डायग्राम इज नॉट अ रियल डायग्राम, रियल डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में, माई डायग्राम इज रे डायग्राम, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा सिखाने के लिए कर रहा हूँ, ऑनलाइन वालों बच्चों किसी को डायग्राम मत दिखाना, वरना टीचर बोलेगा, तुम्हारा टीचर बोलेगा सर को पढ़ाना नहीं आता, इट्स अ रियल डायग्राम की जुगाड़ डायग्राम, यस, आपका ब्लड लेकर के लौटी ये आर्टरी जो जा रही है लंग्स, बोलो कहां पर लंग्स, और लंग्स की तरफ जाने वाली आर्टरी का नाम पल्मोनरी आर्टरी, फिर से बोलो पल्मोनरी आर्टरी, कौन सी आर्टरी पल्मोनरी, तो भैया मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया क्योंकि लिखा नीचे यहां पर है, तो मैं यहां पर पल्मोनरी आर्टरी बनाऊंगा तो थोड़ा और अच्छा काम बन जाएगा, तो बताओ पल्मोनरी आर्टरी की कितनी ब्रांच, एक राइट और एक लेफ्ट, और जो लेफ्ट एट्रियम है यहां पर भी एक ग्रेट आर्टरी है, बोलो कैसी आर्टरी है ग्रेट, और इस ग्रेट आर्टरी का नाम है एओर्टा, फिर से बोलो एओर्टा, ये रही वो ग्रेट आर्टरी, यस, मैं हूं अभी जिंदा हूं, रुक जाओ, तुम्हारी सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ही बैठा हूं, ऑरेंज कर दे, अब आएगा, आया अभी भी नहीं आया, आया, ये जो बेटा आर्टरी है ये भी ग्रेट आर्टरी है, और ये एक आर्क बनाएगी, क्या बनाएगी आर्क, और उस आर्क में किसको कवर करेगी, किसको आर्क करके जाएगी पल्मोनरी आर्टरी, और हार्ट के पीछे जाएगी किसके, वेंट्रल की डॉर्सल, डॉर्सल, और पीछे से ही निकलेगी नीचे की तरफ, है घुसी यहां कैसे निकली, ओके इट इज आर्क ऑफ एओर्टा, और ये निकली, ओके ये गई पीछे और ये निकली, बताओ ये ब्लड कहां लेके जाएगा, बॉडी,
भाई इतना अगर मुझे बता दो तो मेरा शुरुआती पहला डायग्राम पूरा हो जाए। पढ़ा पाओगे? हाँ बोलो बताओ कौन है डिस्ट्रीब्यूटिंग? नीचे वाला नहीं, बहुत मार पड़ेगी। तुमने नीचे वाला बोला नहीं, बोला तुम्हारे टीचर को नहीं आता ये नीचे वाला नहीं, ये एपेक्स है, लाइन के नीचे वाला या फिर हार्ट का एपिकल पोर्शन। बोलो कौन? अब ये क्वेश्चन मैं इस साल जरूर बनाऊंगा। बताओ विच पोर्शन ऑफ द हार्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग? तो तुमको लगेगा अच्छा बेसल, बेसल नहीं है एपिकल। विच पोर्शन ऑफ द हार्ट इज कलेक्टिंग? बेसल। तो एट्रिया आर बेसल और वेंट्रिकल आर एपिकल। पक्का? तो बताओ कहां से ब्लड आया? सुपीरियर वेना के बाद इंफीरियर वेना। ब्लड गया कि आया? कहां से ब्लड आया? लंग्स। पक्का? लंग्स से आया। आर्टरी वेन का नाम पल्मोनरी वेन। अच्छा बताओ कहां ब्लड गया? लंग्स में। आर्टरी का नाम पल्मोनरी आर्टरी। और कहां ब्लड गया? बॉडी में। नाम है एओर्टा। फिर से बोलो एओर्टा। इतनी बड़ी आर्टरी के नाम भी बड़ा कर दिया एओर्टा, याद रहेगा? यस। और इस एओर्टा का आर्क दैट इज नोन एज आर्क ऑफ एओर्टा। तो पूरा आर्क ऑफ एओर्टा केवल इतना है आर्क ऑफ एओर्टा। और ये गई एब्डोमिन में। बोलो कहां? एब्डोमिन। एंड इज नोन एज एब्डोमिनल एओर्टा। फिर से बोलो एब्डोमिनल एओर्टा। अब मैं डायग्राम नंबर दो खोलने वाला हूं, इसको हटा के बना पाओगे? ऐड करें बाद में काम आएगा। अच्छा हमारे डायग्राम बाद में काम नहीं आते अचानक, क्योंकि एक साथ दिमाग में आते हैं तो चलो भाई कर देते हैं, तुम्हारी मर्जी। ये वाला सेलेक्ट। अब अगर मैं इसको पीछे जाऊं और फिर आऊं तो व्हाइट मिलेगा कि ग्रीन? ग्रीन मिलेगा। चलो भाई पीछे चले, पहले मुझे इतना सिखा दो तब हम इधर आएंगे। चलो हार्ट में कितने चैम्बर? कितने हार्ट? कितने हार्ट? एक है। कितने चैम्बर? चार। दो एट्रिया दो वेंट्रिकल। अब बन गया। आप लोग शुरुआत में तो ऐसे बिहेव करते जैसे कि जबरदस्ती बेटा तुमको बैठा ला गया सत्यनारायण कथा में। अरे पंडित जी जल्दी कथा खत्म करो, पंचामृत दो चरणामृत दो बेटा। कभी कभी भागवत कथा अच्छी भी लगती है, आज लग रही है। चलो दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल। इनके बाहर कैविटी है? बैग है? पेरिकार्डियल फ्लूइड है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। इनकी वॉल है? कितनी लेयर? तीन। एपिकार्डियल मायो में मसल है? वेरी गुड। अंदर पहुंचे चार चैम्बर हैं? ऊपर वाले दो वेंट्रिकल, ऊपर वाले दो वेंट्रिकल, नीचे वाले दो नहीं है, कहना सीख लो वरना ऊपर वाले दो एट्रियम, क्योंकि ये बेस है और ये एपेक्स। हाँ अब हम लोग इसको अपनी स्टाइल से इस लाइन के ऊपर वाले और इस लाइन के नीचे वाले, इस लाइन के ऊपर कलेक्टिंग, लाइन के नीचे। तो कौन ब्लड कलेक्ट करेगा? एट्रिया। और कौन भेजेगा? तो कौन बुलाएगा? एट्रिया। कौन भेजेगा? तो बताओ वेन कहाँ आएंगी? एट्रिया। और एट्रिया आर्टरी कहाँ से जनरेट होंगी? वेंट्रिकल। तो दो बड़ी बड़ी आर्टरी हैं? यस सर। दो बड़ी बड़ी आर्टरी में एक का नाम पल्मोनरी, लेफ्ट की राइट, राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरी आई लंग्स की तरफ गई, लेफ्ट साइड से एओर्टा आया लंग्स की तरफ गई बॉडी की तरफ, बॉडी की तरफ पीछे से लौटा आर का एओर्टा बनाया, अब पीछे से लौटा और क्या बनाया? एब्डोमिनल एओर्टा। चलो भाई इतना समझ गए, अब दूसरा डायग्राम यहां से। हाँ दूसरा डायग्राम। Now I am going to make only chamber, not the arteries. अब आर्टरी नहीं बनाऊंगा, केवल चैम्बर बनाऊंगा और आपको ये मानना पड़ेगा कि ये चैम्बर है। चलिए बताइए कितने चैम्बर? दो की चार? चार। कौन वाले छोटे?
एट्रिया छोटे हैं, कौन बड़ा? वेंट्रिकल बड़े हैं। अच्छा भाई, गड़बड़ हो रहा भाई, डायग्राम तो वैसे भी तुम जानते हो माशाल्लाह मेरे बहुत ही अच्छे हैं, बस हमारे जुगाड़ डायग्राम अच्छे होते हैं, बस ओके। मेरे बच्चे केवल मुझे जितना मैं पूछूं उतना बताते जाओ। बताओ, यहाँ पर एक ओपनिंग है किसकी? हाँ, मैंने जो शब्द बोला नहीं है वो बोलना नहीं, कनपटिया देंगे। यहाँ से एक आर्टरी गई है, नाम बताओ। पल्मोनरी आर्टरी। यही कह के तुमने बता दिया कि तुम्हें कुछ नहीं आता। और यहाँ पर एक बेटा ओपनिंग है, चलो अब आयो लाइन से, वरना इसको बोलते हैं ट्राई का स्पीड, इसको बोलते हैं बाई का स्पीड और मट्टी पलीत। हाँ अभी नहीं सर, बना दो जना दो प्लीज, बना देने में ही दिक्कत है, वो तो पहले ही बना दिया था मैंने, अभी अभी यहां से बनाया था। बोलो क्या बनाया था? पल्मोनरी आर्टरी। क्या बनाया था? पक्का? Yes, सर ये तो इधर से घूमी थी, इसीलिए तो नहीं बनाते बार बार, बार बार नहीं बनाना। इसका मतलब इसको दिमाग में अज्यूम रखना, इस जगह से निकलेगा ओपनिंग, बोलो कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। अब परेशान मत करना, सॉरी सर। बेटा मेरे कोई बदतमीजी मत करना, मैं कोशिश में हूं कि तुमको अच्छे से अच्छा डायग्राम जो मुझसे हो पाए वो करने की कोशिश करो, पर जो मुझसे हो रहा वही गंदा है तो मैं क्या करूं। अब बताओ कैसा बन गया? ये मोटू हार्ट है। वाह वाह, बस नाटक किया ना। टाइम किसका बेस्ट? सेलेक्ट कौन नहीं होगा? यहाँ एक ओपनिंग दिख रही है, बोलो पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ एक ओपनिंग दिख रही है, ये भैया का नाम और ये लेफ्ट एट्रियम, ये भैया का नाम राइट वेंट्रिकल। यहाँ तक ठीक है सब कुछ? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम? यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, आर का एओर्टा, सुपीरियर इंफीरियर। ये देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, ये बोलो पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी। तो हार्ट कुल मिलाकर चार छिद्र नहीं, चार प्रकार के, चार बोला मैंने, चार प्रकार के छिद्रों से घिरा हुआ है। बोलो, एक सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, एक प्रकार के, एक नहीं और एक पल्मोनरी आर्टरी, एक एक प्रकार, एक प्रकार सॉरी पल्मोनरी वे और एक पल्मोनरी और सुषुम्ना। तो अगर कोई पूछे हार्ट में कितने छेद? चार, चार प्रकार के। पक्का? याद रखना, इसी एट्रियम में एक और छेद मिलेगा जो होगा कोरोनरी साइनस का। मरे तुम, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं, डर के बोला मैंने। कौन सा? हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई। बेटा बहुत कुछ लिखते हो तुम, मरोगे। जब भी आज के बाद कोरोना शब्द मिले इससे डरना मत। कभी कभी कोरोना का मतलब होता है रिलेटेड विथ हार्ट। सो कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरीज वेन्स वो वेन्स हैं जो ब्लड सप्लाई करेंगी हार्ट की दीवार को, एपिकार्डियम को, मायोकार्डियम को, एंडोकार्डियम। अजीब बात है, हार्ट के पास ब्लड है लेकिन ब्लड लेने के लिए भी एक अलग से सिस्टम है। ऐसा नहीं कि अपना ब्लड लाओ थोड़ा थोड़ा पी लो, ऐसा नहीं होगा। तो जब वो ब्लड वापस आता है तो एक साइनस में आता है, एंड दैट साइनस इज नोन एज कोरोनरी साइनस। बोलो, कहां खोप ओपन होता है? राइट एट्रियम। फिर बोलो, राइट एट्रियम। सर ये मत पढ़ाओ, पढ़ाए? अच्छा ठीक है, कोरोनरी साइनस। इसके बाद दोनों एट्रियम के बीच में एक दीवार है, नाम है इंटर इंटर एट्रियल सेप्टम। फिर से बोलो, इंटर एट्रियल सेप्टम। तो सीट की पेटियां बांध लीजिए,
इस इंटर एट्रियल सेप्टम में कि खास बात है कि एक थिन मेम्ब्रेन से थिन वॉल्ड है। कैसा बेटा? थिन थिक वॉल की थिन वॉल थिन वॉल। जब बच्चा मां के पेट में था तो यहां एक छिद्र था जिससे ब्लड मिक्सिंग हुआ करती थी। छिद्र था, इस छिद्र का नाम हुआ करता था फोरामेन ऑफ ओवेल। फिर से बोलो, फोरामेन ऑफ ओवेल, जो बच्चे के जन्म के पहले या उसके तुरंत बाद एक स्कार में, डिप्रेशन में बदल जाता है। जैसे आपको एक फुंसी हुई और फुंसी सी ठीक हो जाए तो वहां पर एक डिप्रेशन रहता है, जैसे मतलब छेद है वहां पर, अंदर बाहर जा सकता है। नो, अब इसको पार नहीं किया जा सकता। एंड दैट डिप्रेशन दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड दैट डिप्रेशन इज नोन एज, यस, फोसा वैलिस। फिर से बोलो, फोसा वैलिस। अगर किसी को यह लग रहा हो कि मैं डॉक्टरी दिखा रहा हूं, मैं नहीं, इनसे क्वेश्चन बने, बताओ एक छिद्र हुआ करता था, बोलो, फोरामेन ऑफ ओवे, अभी ये छिद्र बचा कि नहीं? आज इसका नाम क्या है? फोसा वैलिस। फिर से बोलो, फोसा वैलिस। और ये मेम्ब्रेन थिक है कि थिन है? थिन। पक्का? ओके। अगर कोई दूसरा मैमल होता, बेटा इधर देखो लिखने में बात, तो मैं बताता कि सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस, इनमें वाल पाए जाते। क्या पाए जाते? फिर से, इनमें क्या पाए जाते? वाल। लेकिन एवरी एट्रियल ओपनिंग, एवरी ओपनिंग बोला मैंने, मैंने एवरी ओपनिंग बोला, एवरी एट्रियल ओपनिंग इन ह्यूमन, इन ह्यूमन इज वाल्वलेस, इज वाल्वलेस। वाल्व है कि नहीं है? देखा तुमने, गलत समझा, वाल्व है लेकिन एट्रिया की ओपनिंग में वाल्व नहीं। एट्रिया में क्या ओपन होगा? सुपीरियर वेना केवा, इंटीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस, फिर से बोलो, और पल्मोनरी वेन। मैंने बोला एवरी ओपनिंग इज वॉल्वलेस? नो, एवरी एट्रियल ओपनिंग इज वॉल्वलेस। तुम्हारा पिछले साल का क्वेश्चन है, मैं बता दूं, वैसे वेना केवा में होते हैं यूस्टेकियम वॉल्व, बोलो, और कोरोनी साइनस में थिबेसियम वॉल्व, बोलो, थिबेसियम वॉल्व। पर मैं ये लिख के तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। तो एवरी एवरी एट्रियल ओपनिंग, फिर से बोलो तीन बार, एवरी ओपनिंग ऑफ हार्ट, एवरी एट्रियल ओपनिंग इज वॉल्वलेस। स्टेकियम वॉल्व है कि नहीं है? थिबेसियन वॉल्व नहीं। पहले यहां पर दो वॉल्व हुआ करते थे। अगर तुम रैबिट में जाओ तो बेटा वेना केवा के वॉल्व हुआ करते थे यूस्टेकियन वॉल्व, लिख दे वरना कभी कोई क्वेश्चन आया तो। और बेटा कोरोनरी साइनस और इंफीरियर वेना केवा के आसपास हुआ करते थे थिबेसियन वॉल्व, दे आर ऑल्सो नोन एज कोरोनरी वॉल्व। बोलो क्या नाम? कोरोनरी। व्हाई डू यू नो एज कोरोनरी वॉल्व? कोरोनरी साइनस पे गार्ड कर रहे थे। वाल्व वो गेट होते हैं जो दोनों तरफ खुलते हैं, एक तरफ, एक तरफ, दोनों तरफ, एक तरफ। तो बताओ वाल्व थे कि हैं? यानी कि मैमल में होते हैं लेकिन ह्यूमन में नहीं होते, नहीं पकड़ पाए। बताओ अगर ये रैबिट का हार्ट होता, किसका? किसका? फिर से बोलो, क्या रैबिट एक मैमल है? तो क्या यूस्टेकियन और थिबेसियन दोनों वाल्व होते? यस सर। वेना केवा में यूस्टेकियन, फिर से बोलो, कोरोनरी साइनस में थिबेसियन, लेकिन ये वाल्व ह्यूमन में नहीं। अब बोलो एवरी एट्रियल ओपनिंग। तो सर आपने लिखाया क्यों? क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन मेरे दिमाग खा जाते हैं, सर ये वाल्व कहां पाया जाता है, ये वाल्व कहां पाया जाता है, ये वाल्व कहां। भैया मत देखो, कुछ लिखा है? क्या लिखा है? तुमने गूगल किया ना? हाँ बताओ, खड़े हो? हाँ नहीं, कुछ तुम देख रहे हो नोट, उसमें पे, उसमें फोन में क्या देख रहे हो? कंफ्यूजन करो ताकि बाकी लोग को आ जाए, कंफ्यूज थे अमी तो गड़बड़ है, ज्यादा पढ़ाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। बताओ ये कौन से वेना केवा?
ये इंफीरियर। सुपीरियर वेना केवा के अपने कुछ वाल हुआ करते थे या इंफीरियर वेना के या वेना केवा के अपने वाल हुआ करते थे, नाम बताओ। ये सही कोरोनरी साइनस के थिबेसियम अभी है कि नहीं है? नहीं है। ह्यूमन में एवरी एट्रियल ओपनिंग इज वाल फुल की वाललेस? वाललेस। वाल फुल? वाललेस। पक्का? बताओ इस सेप्टम का नाम इंटर एट्रियल सेप्टम। फिर से बोलो। यहाँ पर एक छिद्र हुआ करता था, नाम बताओ। फोरामेन ऑफ ओवेल। मजा नहीं आ रहा, बोलो। हुआ करता था। आजकल ये बेटा ओपनिंग है कि नहीं है? डिप्रेशन है, नाम बताओ। फोसा वैलिस। कैसे बोलो? फोसा। बताओ ये सिम्प्टम दिखाई पड़ रहा है? दिस सिम्प्टम इज नोन एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर से बोलो। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, मदद कर देना। इंटर एट्रिकुलर सेप्टम इट वॉज, इंटर एट्रियल सेप्टम वॉज द थिन, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम इज थिक एंड दिस सेप्टम इज टिल्टेड टुवर्ड्स राइट। टिल्टेड टुवर्ड्स राइट, लेफ्ट। और इसी वजह से राइट वेंट्रिकल बिकम लेस वॉल्यूमिनस एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बिकम लार्ज। बताओ कौन लार्ज? सुन नहीं रहा बेटा, क्या फायदा बैठे का? बताओ ये सेप्टम किधर की तरफ? तो बताओ लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज बड़ा, राइट वेंट्रिकल का साइज छोटा। ये सुन लो, तो बताओ ये वाला वेंट्रिकल लेफ्ट, ये वाला राइट, और ये वॉल थिक की थिन? थिक। शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट की राइट? राइट। कौन सा वेंट्रिकल बड़ा? लेफ्ट। कौन सा छोटा? राइट। और ये रहा एट्रियम और ये रहा वेंट्रिकल, ये रहा एट्रियम, ये रहा वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच की वॉल एंड दिस इज नोन एज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। मरो तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये क्या है? नहीं, ये क्या है? ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल। तो एट्रिया और के बीच का, मैं सच में गड़बड़ कर रहा हूं, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम है। मेरे घर और पड़ोसी के घर के बीच की दीवार, मेरे और पड़ोसी की बीच की दीवार। मैं हूं एट्रिया, वो है वेंट्रिकल। एट्रियो और वेंट्रिकुलर के सेप्टम। नहीं आया? इसमें कोई रॉकेट साइंस है? सर एक बार और, एक बार और जबाई मार रहे हो। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर से बोलो। और ये एक तरफ की दोनों तरफ? ये वाला राइट साइड और ये वाला लेफ्ट साइड। इट इज अगेन एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। डायग्राम नंबर टू। अभी मैंने सारी दीवारें और सारी चीजें बताने की कोशिश की, चलो बोलो बता पाए? बोलो क्या क्या पढ़ा? कितने एट्रियम? तीन की दो? दो है। अच्छा, दोनों एट्रियम के बाद दो वेंट्रिकल हैं? राइट और राइट वेंट्रिकल हो गया? राइट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया? इनके बीच की दीवार? दो भाइयों के बीच की दीवार, इसका नाम एट्रिया, इसका नाम एट्रिया, इंटर एट्रियल सेप्टम। कसम से ऐसे हमारे पल्ले पड़े हो हम ही मर जाए। इंटर एट्रियल सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम और एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम और एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम और इंटर आर्टेरियल सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। समझ में नहीं आया? सब और दबाते रहो और बताओ। ये है ओपनिंग और ये है ओपनिंग किसकी? और ये पक्का? यस सर। बहुत बहुत मदद कर रहे हो,
ये प्लस ये एहसान मैं तुम्हारा जिंदगी भर कभी भूल जाऊं तो बोलना, अरे सर आप भूल जाओगे। अब डायग्राम नंबर 3, सारे स्ट्रक्चर एक साथ। चलो हाँ सर हमको मत परेशान करो, है ना। हाँ ठीक है, परेशान नहीं करो तो पता नहीं क्यों यहाँ पर आ गया। ऊपर वाले दोनों मतलब लाइन के ऊपर वाले ये वाले पक्का। अच्छा बताओ यहाँ पर इंटर एट्रियल सेप्टम, क्योंकि मैं इसको खाने वाला हूँ, इंटर एट्रियल सेप्टम का डिप्रेशन ओसावेलेस। यस, अब मैं इसको ले गया क्योंकि मेरी बदतमीजियां चालू, और मेरी इस पहली बदतमीजी का नाम है द ग्रेट पल्मोनरी आर्टरी। बोलो कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी है। पता ओपनिंग दिख रही है? थैंक यू वेरी मच। ना दूसरी बदतमीजी सर, पहले भी तो कर चुके थे, दोबारा क्यों कर रहे हो सर? अभी पता चल जाए। एवटा है, कलर डार्क ले ले। ये तो वही है बेटा, मेरे को परेशान मत करो, मैं केवल तुम्हें समझाने के लिए कोशिश में हूं, वरना मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें आए चाहे ना आए भाड़ में जाओ। सर क्यों भाड़ में जाए बताओ, ये ओपनिंग है? Yes, sir. और ये कौन सा? अब जानोगे पक्का। Yes, जो हम खा गए उसको वापस कर रहे हैं, ये खा गए थे। दिखाई पड़ा? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बढ़िया है। बताओ ये वाली और ये आर का एल का पक्का। यस सर। अब देखो तुम फंसे मेरे जाल में, इस सेप्टम का नाम लेफ्ट साइड की राइट साइड और ये वाला लेफ्ट साइड। थैंक यू वेरी मच। राइट साइड दीवार में, इसी राइट साइड दीवार में बेटा बातें जो कर रहे हैं ना उनको लग रहा बड़ा मजा आ रहा है, हम तो अपनी जिंदगी जी चुके चुन्नी बाबू, हमारा तो जो होना था हो गया, अब तुम डॉक्टर बनो कि मरीज, ये तुम पे डिपेंड है। यहां पर वॉल्व है जो मैंने जबरदस्ती बनाए ऐसे, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम और एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों तरफ एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में दे हैव वॉल्व, दे हैव वॉल्व। राइट साइड के वॉल में तीन कटोरी, कितनी कटोरी? तीन। हाँ तीनों कटोरी, एक कटोरी, हाँ रुको बेटा जल्दी आओ ना, नहीं सारी कटोरी चली जाएंगी। दूसरी कटोरी, हमने कई सालों तक पढ़ाया और हमें मालूम है कि ये जब पढ़ाओ तो कुछ समझ में नहीं आता। कितने कस्प? तीन कस्प है। Yes, याद रखना ये वाल्व है और जिसमें कस्प कितने हैं? तीन। कुछ लोग बोलते हैं तीन वाल्व है, तीन वाल्व नहीं है, वाल्व है और जिसमें कितने हैं? कस्प। ध्यान से देखिए, इफ यू आर एट्रियम, यू आर माई सेल्फ इज वेंट्रिकल। भैया नितिन आओ, एक कस्प, दो कस्प, इधर आपको वाला हाथ ऐसे बस। अरे यार सी हो गया, मैं एट्रियम हूं। क्या हूं मैं? एट्रियम। अब मैं एट्रियम हूं क्योंकि इसको हाथ उल्टा नहीं कर पाए पक्का। अब बताओ ये कटोरिया किधर खुलेगी, अंदर की बाहर? बाहर। बेटा तुमको ऐसा करना, तुमको परपेंडिकुलर लगेगा, अपना अपना परपेंडिकुलर। चलो नहीं आया, मैं कौन हूं? एट्रियम।
कौन? मेडिकल। बेटा पीछे नीचे से लगाओ, नीचे से लगाओ, ये वाला हाथ। अब आप कौन? एट्रियम। अब आप कौन? एट्रियम। अब उधर मत करना, बोलो। नहीं आया। और कितने कस्प? तीन है। तो आप है एट्रिया, धक्का मारो। तो मैं अगर धक्का मारू तो खुलेगा कि बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आप खुल जाएगा। नहीं आया। इट इज अ वॉल। बैठो। तीन वॉल। अरे ये ब्लड यहां से आ रहा है और ये कटोरियां हैं और ये कटोरियां नीचे की तरफ डायरेक्टेड है तो खुलेगी पक्का? अगर नीचे से धक्का लगे तो खुलेगी? बंद होगी। बंद होगी। ऊपर से खुलेगी? नीचे से? बंद होगी। ऊपर से खुलेगी। जिसका वन वे है वो है वाल। तो भाइयों बहनों इट इज वाल। क्या ये वाल? और वाल हमेशा दो तरफ खुलते हैं कि एक तरफ? एक तरफ। तो ये जो तुम्हारा वाल है दोनों तरफ खुलेगा कि एक तरफ? ये बात और है कि इसके पास कितनी पत्तियां हैं? तीन। और इसीलिए इसका नाम ट्राइकस्पिड वाल। फिर से बोलो ट्राइकस्पिड। कुछ भी पढ़ा लो, घोंगा के घोंगा ही रहना। अब सोचो ऊपर एट्रिया, ऊपर नीचे। अब देखो एट्रिया ने धक्का मारा। नहीं है? कितनी पत्तियां खुल रही? पक्का? अच्छा गणित पूछे बताओगे इसमें कितना एंगल होगा? 360। तो हर पत्ती का एंगल एक दूसरे से 120। ओके। अब इधर की तरफ जब तुम आए, हे राजन यहां ध्यान लगाओ बेटा, तुम बहुत इधर उधर दिमाग लगा रहे हो। इसके पास कितने कस्प हैं? दो। और इसीलिए ट्राइकस्पिड की बाइकस्पिड। बाइकस्पिड इज लाइक दिस। आप एट्रिया, ठीक है? समझ गए? तो जो तीन पत्तियां काम कर रही थी वो दो। इट इज नोन एज बाइकस्पिड वॉल। इट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल। और बोला कि बाइकस्पिड वॉल का है, ट्राइकस्पिड वॉल का है? एवी सेप्टम। भूल गए बेवकूफ? कौन सा सेप्टम? एवी सेप्टम। पक्का? और ये भी क्या है? एवी सेप्टम। क्या है ये? कहां दिखा रहा? यहीं पर रहो बेटा थोड़ी देर। इसका नाम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और इसका भी नाम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहां वाल्व है? Yes, यहां वाल्व है? Yes, ये भी वन वे फ्लो करेंगे? Yes, ये भी वन वे फ्लो करेंगे? Yes, ऊपर से प्रेशर लगा जाएगा तो तीनों पत्तियां खुल गए। ऊपर से प्रेशर लगेगा तो दो पत्तियां खुल गए। क्योंकि दो पत्तियां हैं इसलिए, और जो कि तीन पत्तियां हैं ट्राइकस्पिड। समझ में आया? बाइकस्पिड वॉल्व इज राइट साइड की लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। इट इज राइट साइड और लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। और इट इज राइट साइड। तो बताओ राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल्व। And the bicuspid valve is also known as mitral valve. फिर से बोलो mitral valve. It is known as mitral valve. अरे बेवकूफ हूँ। कौन सा valve? Mitral valve. इसके बाद आप आइए arteries में। दिखाई पड़ी artery? कौन कौन सी artery? बोलो pulmonary artery. पक्का? और एक शब्द होता है अर्धचंद्राकार। बोलो क्या? आधा चंद्रमा, हाफ मून। आधा, हाफ, सेमी, सेमी मतलब आधा, लूनर मतलब चंद्रमा। दे हैव द अर्धचंद्राकार वॉल्व। दे हैव सेमी लूनर वॉल्व। फिर से बोलो। और जो खुलेंगे टूवर्ड्स आर्टरी, टूवर्ड्स आर्टरी, ऊपर से खुलेंगे कि बंद हो जाएंगे? बंद हो। खुलेंगे आर्टरी की तरफ, आर्टरी से इधर आने पर खुलेंगे, बंद हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो याद रखना द ग्रेट आर्टरीज, द ग्रेट आर्टरीज, बोथ ऑफ द ग्रेट आर्टरीज, द ग्रेट आर्टरीज,
ये दोनों ग्रेट आर्टरीज, नाम बताओ दोनों के नाम, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, क्या ये ओपनिंग में रखेंगी? क्या रखेंगी? सेमी लूनर वॉल। तो क्या मैंने कहा था वॉल्वलेस होती हर ओपनिंग? बोली थी मैंने, बोला था एवरी एट्रियल, इट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर, इट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर, वेन और एट्रिया, वेन और एट्रिया, वेन और एट्रिया, वॉल्वफुल की वॉल्वलेस, वॉल्वलेस। ये समझाना चाह रहे थे। और ऐसा नहीं कि हार्ट में वॉल्व नहीं होते, कल को तुमने बोला, सुनील सर ने बोला था हार्ट में वॉल्व नहीं होते, दूसरा टीचर कहेगा बदल दो यार उसको, कुछ नहीं आता तुमको भी, हाँ कुछ नहीं आता, फिर हम कान के नीचे रेप्टा देंगे तुम्हें। बताओ सेमी लूनर वॉल्व है? Yes, कहां पर? पल्मोनरी आर्टरी में है और एओर्टा, पक्का? Yes, एंड दीज वॉल्व आर लाइक द, बेटा मेरी बच्चे, ये वॉल्व जो है ये खुल तो जाएंगी पर बंद क्यों होती है, इसका कारण सुनो। इनको बंद करने के लिए इनमें कनेक्टिव टिश्यू की टेंडिनी होती है। सी, अगर यहां पर तीन कस्प है, अरे यार, अगर यहां तीन, अब आएगा सेलेक्ट, तो पहले भी किया था, ये रहा टेंडिनी, एक कस्प की, दूसरी कस्प की और पीछे वाली तीसरे कस्प की, ये कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर है। चूंकि यहां तीन कस्प है तो तीन ग्रुप ऑफ फाइबर होंगे और यहां दो ग्रुप ऑफ फाइबर होंगे। और इन ग्रुप ऑफ फाइबर को सपोर्ट करेंगी वेंट्रिकल की कुछ मसल्स, एंड दीज मसल्स आर लार्ज मसल्स, कॉलम लाइक मसल्स, एंड दैट्स वाई दीज मसल्स ऑल नोन एज कॉलमनर मसल्स। कॉलमनर मसल्स आर ऑल्सो नोन एज पैपिलरी मसल्स। कुछ लोग कहेंगे बुक में नहीं दिया, एक बार डायग्राम देखो और तुम्हें दिखाई पड़ेगा ये मसल्स। नाम नहीं दिया, मसल नाम दिया होगा, नाम नहीं दिया लेकिन मसल का डायग्राम बना होगा। एंड दीज आर अगेन एंड अगेन दीज आर कॉलमनर मसल्स। और इन्हीं का नाम है पैपिलरी मसल्स। और इन मसल के साथ कुछ कनेक्टिव टिश्यू जुड़े हुए हैं जो जाकर के किसको सहारा दे रहे हैं? वाल्व को, और वाल्व की क्या कस्प को, कितनी कस्प? तो कितने सहारे? तीन। कितने कस्प? दो। तो कितने सहारे? दो। और इन सहारे देने वाली जगहों को बोलते हैं कॉर्डी टेंडनी। बोलो क्या नाम? कॉर्डी टेंडनी। जरा अपने अपनी एनसीईआरटी देखो और कॉर्डी टेंडनी का है बताओ। मिली कि नहीं मिली? मिल गई। yes, so, हार्ट की अपनी कुछ मसल्स हैं जो कॉलम लाइक मसल है, मोटी मोटी कॉलम लाइक मसल्स हैं, और वो भी एट्रियम की वेंट्रिकल की, वेंट्रिकल, हाँ, और इन वेंट्रिकल की मसल्स का नाम कॉलमनर मसल्स, फिर से बोलो, ऑल्सो नोन एज पैपलरी मसल्स। और इन मसल्स से जुड़ा हुआ है क्या? कॉर्डी टेंडनी। और कॉर्डी टेंडनी किसको सपोर्ट कर रही है? कस्प। अब ट्राई टू सी दिस, ट्राई टू सी दिस, अगर ये एक कस्प है, मेरे पास दोनों जगह है नहीं बनाने के लिए, अगर ये कस्प है और ये खुली, खुल गई, इसको फिर से ओरिजिन पोजीशन पर, इसे पकड़ना, इसे पकड़ना, बस और कुछ नहीं। लेट्स सपोज दीज आर द कस्प, ये क्या है बिटिया? जागो, नहीं, ये कस्प है ट्राई कस्पिड के कस्प, ठीक है, आप तीसरा कस्प बना नहीं पा रहे हैं,
बताओ किसने धक्का मारा? एट्रियम, हाँ खुल गया yes, इसको ओरिजिनल पोजीशन पे किसने भेजा? धक्का मारो, नहीं आया, किसने भेजा? कार्डियन। और किसने धक्का दिया? मसल्स, कौन सी मसल? तो बताओ वाल्व बंद कब होगा? जब एट्रियम धक्का मारेंगे वेंट्रिकल, वेंट्रिकल पारी नींद, यस सर हो रहा है, क्यों पढ़ा रहे हम? एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ दें, कितने कस्प? तीनों कस्प पे कॉर्डी टंगनी है, किसने खोला? एट्रियम, प्रेशर मारा एट्रियम ने, खुल गया कब तक खुला रहेगा? जब तक एट्रियम का प्रेशर लगा रहेगा। अचानक वेंट्रिकल ने प्रेशर मारा, किसके द्वारा? कॉलमनर मसल, किसमें पड़ा? कॉर्डी टेंडन, बंद हो गया खुला, बंद हो गया, इन्हीं का नाम कॉर्डी टेंडन, सपोर्ट देने वाली मसल कॉलमनर मसल, सपोर्ट देने वाली मसल कॉलमनर मसल। तो वेंट्रिकल की अपना मस्कुलेचर होता है जिसका नाम होता है कॉलमनर मसल एंड कैपिलरी मसल, इनमें टेंडन लाइक स्ट्रक्चर है, दे आर नोन एज कॉर्डी टेंडन। एंड नाउ जैसे कि वेंट्रिकल के अपनी मस्कुलेचर होते हैं वैसे एट्रियम के भी अपने मस्कुलेचर होते हैं, एट्रियल वॉल्स ऑल्सो हैव द मस्कुलेचर एंड दे हैव मस्कुलेटी पेक्टिनाटी, मस्कुलेटी मस्कुले मस्कुली पेक्टिनाटी। सो एट्रियम की अपनी मसल का नाम है मस्कुली पैटी नाटी, नाटी नाटी मसल, लंबी लंबी मसल, लंबी वाली नाटी वाली पैटी नाटी, इट इज जुगाड़, इट इज जुगाड़। तो बताओ एट्रियम की मसल, गड़बड़ कर दिया, मस्कुली पैटी नाटी, वेंट्रिकल की कॉलमनी कारनी, सॉरी इट इज नोन एज कॉलमनर मसल, पैपिलरी मसल, कॉलमनी कारनी भी बोलते हैं। और हमने लगा कि ये टॉपिक मैंने इसी पॉइंट पर खो दिया, फिर से बोलो, क्या वेंट्रिकल के पास मसल्स हैं? क्या उनसे कॉर्डी टेंडन निकली है? कहाँ जा रही है? वाल, वाल में कितनी कस्प? तीन, तो कॉर्डी टेंडन कितनी? तीन, मिनिमम तीन, चारा भी हो सकती, मिनिमम तीन। उनको सपोर्ट किया किसने? कॉलमनर मसल, फिर से बोलो, और यहां पर कितने कस्प हैं? दो, तो कितना सपोर्ट किया? मिनिमम दो, तीन भी हो सकता है। और इनको मसल कौन है? कॉलमनर, कौन से बोले? इनका पूरा नाम होता है कॉलमनी कारनी, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता कि तुम मर जाओ एकदम पूरी तरीके से। कौन सी मसल? कॉलमनर, ऑल्सो नोन एज पैपिलरी मसल, फिर से बोलो पैपिलरी। क्या एट्रियम की भी अपनी मसल्स हैं? यस, नाम बताओ मस्कुली पैटी नाटी। सर एट्रिया एंटर एट्रियल सेप्टम दिखाई नहीं पड़ रहा, देखना है तो पीछे जाना पड़ेगा, जाएं किससे जाएं? इससे, अरे रुको यार, अभी तुम तैयार नहीं हुए कि तुम्हें पढ़ना क्या। डायग्राम नंबर वन, डायग्राम नंबर टू एंड डायग्राम नंबर थ्री, उसके पहले रिलैक्स करो थोड़ा, तुम खूब कर लो बदतमीजी, एक दिन हम ना रहेंगे तो याद आएंगे बेटा। एक आदमी था जो तुमको घोर खींच खींच के पढ़ाता था, सीख लो बेटा, सीख लो बेटा, नहीं सीखो तो मरो। मेरी इन सब बातों से गुस्सा मत हो ना, मैं प्यार में बोलता हूँ। नहीं नहीं मिला, हमारे पास भरपूर है, जब चाहो तब दे, बटवा दे। अच्छा बेटा अब मैं एक एक डायग्राम मिटाता जाऊंगा और बताता जाऊंगा, पक्का कर पाओगे? हाँ भाई, कितने चैम्बर? कितने एट्रियम? थोड़ा रिलैक्स कर रहे हो तो अब्बू को धर दो। कितने चैम्बर? छह। कितने बेटा एट्रियम? दो। कितने वेंट्रिकल? दो। बेसल एट्रियम एपेक्स चैम्बर में है, नाम है पेरिकार्डियल कैविटी, किस बोलो? फ्लूड है, नाम है पेरिकार्डियल फ्लूड। दो लंग्स हैं,
मीडिया स्टेनम है yes, वहीं पर हार्ट है yes, बाई तरफ बिलो द स्टेनम टिल्टेड टुवर्ड्स बस। अच्छा बताओ आने वाली वेन जाने वाली आगे इधर से आई सुपीरियर वेना के वा इंफीरियर इधर से आई पल्मोनरी वेन पक्का कहां से लंग्स से कहां से बॉडी से बॉडी का ऊपर बॉडी का नीचे ऊपर वाला सुपीरियर वेन नीचे वाला इंफीरियर। अगर कोई और मेमल होता तो वेना केवा के अपने वॉल यूस्टेटियन वॉल फिर बोलो कोरोनरी साइनस के थीबेसियन वॉल पर हमारे सारी वेन वॉल लेस। कुछ टीचर इसे वॉल फुल भी पढ़ाते हैं बिकॉज इट इज अ कंट्रोवर्शियल इट इज अ तो कुछ लोग वॉल बताते हैं कुछ लोग नहीं बताते फिर मेरे नॉलेज में प्लीज शक मत करिएगा मैंने ऐसे ही पढ़ा है वॉल फुल की वॉल लेस वॉल लेस मैंने गलत पढ़ा तो मैं गलत ही पढ़ा ठीक है याद रखना इधर की तरफ कौन सी पल्मोनरी वेन दोनों एट्रियम के बीच का सेप्टम दिखा इट इज इंटर एट्रियल सेप्टम राइट साइड लेफ्ट साइड ओपनिंग है नाम है फोरामेन ऑफ ओवे फिर से बोलो इसी नाम का फोरामेन आपके ब्रेन में भी होता है यस और नो यस क्या ये बेटा भर जाएगा डिप्रेशन छोड़ेगा नाम है फोसा वैलिस बताओ वेंट्रिकल के बीच का गैप है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम छोटा की मोटा क्या पतला है याद रखना इन दोनों के बीच का सेप्टम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम इधर से एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम वेंट्रिकल से दो ओपनिंग निकलेगी दो ग्रेट आर्टरी है राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड से आर का रोटा बनाएगी हार्ट के पीछे जाएगी एब्डोमिनल रोटा बनाएगी यस इससे अब एब्डोमिनल एओर्टा बनाने के बाद जब आप पहुंचेंगे तो आपको फिर से चार चैम्बर दिखेंगे दिखेंगे yes, अब इस चार चैम्बर में मैंने वाल्व की बात की किसकी बात की है वाल्व बताओ ये वाला थिकनेस कम की ज्यादा ज्यादा ये कहां कहां पर फोरामेन ओवे इसी का नाम फोसा वैलिस इंटर एट्रियल सेप्टम है इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है इंटर एट्रियल सेप्टम है और इट इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम फिर हम आगे पहुंचे और अब हमने फाइनल डायग्राम बनाया और हम इस डायग्राम में देखने की कोशिश कर रहे हैं याद एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के दो पार्ट एक राइट साइड और एक लेफ्ट एट्रिया कंप्लीट वेंट्रिकल में आया वॉल्व वेंट्रिकल में आया वॉल्व है कितनी लीफ तीन कितनी लीफ दो तीन है तो ट्राइकस्पिड दो है तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड राइट में कि लेफ्ट में राइट में बाइकस्पिड लेफ्ट में तो वॉल्व एक लीफ दो वॉल्व एक लीफ तीन दो की तीन तीन ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड किधर की तरफ ओपन होंगी एट्रिया से वेंट्रिकल एट्रिया से वेंट्रिकल यस और नो दो ग्रेट आर्टरी हैं इनके पास वॉल्व है वॉल्व का नाम सेमी लूनर वॉल्व फिर बोलो और सेमी लूनर वॉल्व इंटर एट्रियल और एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में है कि बेटा वेंट्रिकल और आर्टरीज ग्रेट आर्टरीज हैं राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी सेमी लूनर वॉल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा सेमी लूनर वॉल्व यस और नो इन वॉल्व को सहारा देने के लिए ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व को सहारा देने के लिए क्या निकलेगी कॉर्डी टेंडनी फिर से बोलो और कॉर्डी टेंडनी की अपनी मसल होंगी या उन्होंने कॉलमनर मसल या फिर कॉलमनी कार्नी फिर से बोलो कॉलमनी कॉर्नी और याद रखना इन्हीं का दूसरा नाम पैपलरी मसल क्या ये एट्रियम के कि वेंट्रिकल के वेंट्रिकल क्या एट्रियम की भी अपनी मसल्स है यस सर दे आर नोन एज मस्कुली पेक्टिनाई बाय करें आ गया नहीं आया सर अगर आ गया तो अगला टॉपिक सुनो ध्यान से इवन दे हैव ऑटो एक्साइटेबल ऑटो एक्साइटेबल मस्कुलेचर भैया स्पेलिंग स्केलिंग के लिए माफ कर देना मस्कुलेचर याद रखना
What is the meaning of auto excitable musculature? These are spacer muscle. These are spacer muscle which behave like nerves. ये स्पेशल मसल्स हैं जो नर्व की तरह बिहेव करते हैं. अगला क्वेश्चन तो पूछोगे कि ये नर्व की तरह बिहेव करती है, आपको कैसे पता? बिकॉज दीज स्पेशल मसल कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल एंड दिस एक्शन पोटेंशियल विल कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल. बहुत देर तक बातें हवा में चली और आपको कुछ समझ में नहीं आया. मैं जानता हूं ये जो तीन लाइनें लिखी हैं उसमें से कुछ लोग समझ पाए होंगे, कुछ लोग समझ ही नहीं पाए. एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम के अलावा, बोलो क्या? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम के अलावा इनके पास और भी मसल है. और भी मसल. मैंने नर्व का, फिर से बोलो, मैंने नर्व का क्या कहा? मसल. लेकिन इन मसल की खास आदत है कि अपने आप एक्साइट होती है, अपने आप excite. और एक्साइट हो करके क्या पैदा करती हैं? एक्शन पोटेंशियल. फिर से बोलो. और इस एक्शन पोटेंशियल की मदद से कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती. नहीं सुना, ये मसल स्पेशल क्यों है? क्योंकि मसल है लेकिन एक्ट कहती है नर्व जैसे. ये नर्व है, मेरा मरवाना मत. नर्व है की मसल? पर एक्ट कैसे करती है? नर्व की तरह. नर्व की तरह. और ये अपने आप एक्साइट होती हैं और क्या पैदा करती हैं? एक्शन पोटेंशियल. आइए इनकी लोकेशंस देखते हैं. अगर आप इनकी लोकेशन देखना चाहते हैं तो हार्ट का स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छा आना चाहिए, जो हम लोगों ने पढ़ने की पहले ही कोशिश की है और पढ़ा भी है. यस, बाकी अब मैं कुछ नहीं बना रहा हूं सिवाय मस्कुलेचर. ओके बेटा ध्यान से, 10 मिनट की बात है तो चले जाएंगे. हम बोलते हैं कि राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर पर एक मसल का बेटा कॉम्बिनेशन, एक नोड होता है. मसल कॉम्बिनेशन, नर्व की मसल, मसल, इट इज नोन एज एसए नोड, ऑल्सो नोन एज साइनो एट्रियल नोड. अब चूंकि इस मोड पर आ चुके हो तुम्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा इसलिए तुम मर रहे हो, नहीं तो तुमको समझ में आना चाहिए. नाम बता रहा, मैं ऐसी जगह हूं जहां पर साइनस है, क्या है? साइनस. और एट्रियम है, और एट्रियम. इस जगह पर पहले साइनस हुआ करता था और इसी वजह से इस साइनस का नाम था साइनस वेनोसस. फिर से बोलो. यानी वेन जहां पर ब्लड डाला करती थी उसका नाम था साइनस वेनोसस. और आजकल ये साइनस वेनोसस मैमल में है कि नहीं है? नहीं है. उसी जगह की कुछ मसल बेटा मॉडिफाई होकर बना रही है साइनो एट्रियल नोड. मेरे साथ चिल्लाओ. ये नर्व है कि मसल? मसल. राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर, लोअर कॉर्नर की अपर, अपर पोजिशन पूछे जाएगी. फिर राइट एट्रियम के लेफ्ट लोअर कॉर्नर, राइट एट्रियम के लेफ्ट लोअर कॉर्नर पर एक और मसल का बेटा कॉम्बिनेशन, एक नोड है, दैट इज नोन एज एवी नोड. इसे एवी नोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहीं पर एट्रिया वेंट्रिकल के साथ मिलने जा रहा है. ये कौन? और ये कौन? वेंट्रिकल. इसी का नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड. क्या पढ़ाए और क्या छोड़े जब तुम्हारा पढ़ने का मन ही ना करे. एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से बेस ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इट इज अ एपेक्स, इट इज अ बेस ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. बोलो.
एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के बेस में एक बंडल ऑफ मसल है, नर्व की मसल, मसल, दिस इज नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल, ऑल्सो नोन एज बंडल ऑफ हेस, इस बंडल ऑफ हेस से दो बंडल ब्रांचेस निकली हुई हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। इनमें से राइट साइड वाली का नाम है आरबीबी, राइट बंडल ब्रांच। और लेफ्ट साइड वाली का नाम है लेफ्ट बंडल ब्रांच। और मैं आपको बता दूं, ये सब वेंट्रिकल के सेप्टम में चल रहा, वेंट्रिकल की वॉल में नहीं है, वेंट्रिकल के राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच यहां से कुछ फाइबर निकालेंगी जो वेंट्रिकल के वॉल के अंदर घुसेंगी, वेंट्रिकल के वॉल। बेटा सुनो, काम आएगा, नहीं तो कार्डियक साइकिल में तुम मेरे सामने फिर गुस्सा होगे कि सर कुछ नहीं पढ़ा रहे। वेंट्रिकल के वॉल में घुसने वाली इन फाइबर का नाम है पुरकिंजे फाइबर। बोलो कौन? पुरकिंजे फाइबर। चलो याद रखना, एवी नोड, सॉरी एसए नोड और एवी नोड के बीच में भी कुछ फाइबर प्रेजेंट हैं, एंड दीज फाइबर इज नोन एज इंटरनोडल फाइबर। दीज आर नोन एज इंटरनोडल फाइबर। यही मुश्किल है, यही मुश्किल है, मैं जानता हूं। चलो अब मेरे साथ आओ, ये जो मैं लिखने दूंगा ना तो तुम सब मरोगे, एक ना एक दिन मेरे पास रोते हुए आओगे और फिर कहोगे सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, आप उस दिन पता नहीं क्या भांग खा के आए थे, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं, और मुझे लगेगा भांग मैंने नहीं खाया। क्या हो गया? शुक्रवार है तो ये तो पढ़ के जाओ, ये तो पढ़ के जाना पड़ेगा, फिर शुक्रवार है, फिर शुक्रवार है, अब मैं नहीं जानता, आज अल्लाह मुझे माफ करे, आज कुछ भी हो जाए भाई साहब मैं इसको अधूरा नहीं छोड़ सकता, सॉरी। हाँ भाई, बेटा बेटा जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी से बोलो, ये वाला नोड ऐसे नोड साइनो एट्रियल नोड, ये वाला ए वी नोड, बोलो क्या नाम है? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इसका नाम इंटरनोडल फाइबर, दो नोड्स के बीच के फाइबर, इंटरनोडल फाइबर। पक्का? यस सर। फिर यहां पर एक बंडल बना, यस सर। नाम बताओ, ए वी बंडल, फिर से बोलो, दूसरा नाम बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस हो गया, और बंडल ऑफ हिस से दो ब्रांचेस निकली, एक राइट एक लेफ्ट, बताओ आर बी बी, व्हाट इज आर बी बी, और ये एल बी बी, व्हाट इज एल बी बी, लेफ्ट बंडल ब्रांच। क्या इनसे फाइबर निकले? yes, जो बेटा वेंट्रिकल में घुसे, yes, नाम है पुरकिंजे फाइबर, फिर से बोलो, फाइबर। और इनमें हर नोड, हर नोड और ऑलमोस्ट हर बंडल, हर बंडल ऑटो एक्साइटेबल है, क्या ऑटो एक्साइटेबल, और अगर ऑटो एक्साइटेबल है सो इट कैन जनरेट, इट कैन जनरेट, क्या सुना, इट कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल, फिर से बोलो, बेटा मैं जल्दबाजी में नहीं हूं, तुम ध्यान सुनना, बताओ ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल पैदा कर सकता है, एवी भी पैदा कर सकता है, कई बार बंडल ऑफ हिस भी एक्शन पोटेंशियल पैदा कर सकता है, फिर से सुनो, एवी नोड कर सकता है,
सॉरी एस ए नोट कर सकता है, एवी नोट कर सकता है, बंडल ऑफ इसके भी कुछ फाइबर कर सकता है। और जब भी एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करेगा, जहां जहां ट्रेवल करेगा मसल कॉन्ट्रेक्शन करेगा। बोलो क्या करेगा? मसल का। अब ध्यान सुनना, अगर एसओ नोड से कोई मैसेज चला तो कहां से चला? वेंट्रिकल से कि एट्रियम? तो बताओ क्या कॉन्ट्रैक्ट होंगे? एट्रियम। फिर से बोलो। पहुंचते पहुंचते कहां पहुंचा? एवी नोड। फिर से बोलो। और एवी नोड से मैसेज चला, कौन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? वेंट्रिकल। इसीलिए एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होंगे, और जब मैसेज वेंट्रिकल के पास पहुंचेगा तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे। एट्रियम रिलैक्स, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल रिलैक्स, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, एट्रियम रिलैक्स। नहीं आया? याद रखना, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, कल की क्लास मत छोड़ना। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल कभी मत छोड़ना। भागने वालों बाकी लोग जा सकते हैं। एसए नोड और एवी नोड में हर बंदे के पास एक्शन पोटेंशियल पैदा करने की क्षमता है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल का रेट किसके पास है? एसए नोड। तो 70 से 75 पर मिनट ये करता है, ये इनका रेट इससे कम है। तो बताओ वेक्टर कौन जनरेट करेगा? एसए नोड। तो स्पीड कौन जनरेट करेगा? एसए नोड। तो कॉन्ट्रैक्शन अल्टीमेट किसके कंट्रोल में हुआ? एसए नोड। और इसीलिए इसे बोलते हैं पेस मेकर। एक क्वेश्चन आया, एसए नोड खराब हो जाए तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर जाएगा? नो, क्योंकि एवी नोड भी है। पर रेट बढ़ेगा कि कम हो जाए? कम हो जाए, क्योंकि एवी नोड का रेट कम है। इसी को बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। बोलो। और तुमने बहुत बार सुना होगा कि कुछ लोगों का एसए नोड खराब हो गया, तो हम लोग पेस मेकर लगाते हैं, नेचुरल की आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल। और ये मशीन क्लेविकल के नीचे लगाई जाती है। कहाँ? क्लेविकल के नीचे, राइट साइड की लेफ्ट साइड, याद रखना, क्लेविकल के नीचे लगाई जाती है। और तब तक हट कैसे करता होगा जब खराब हो रहा है? तब तक कौन करता होगा? एवी। तो अगर ऐसे नोड खराब हो जाए तो हार्ट बंद हो जाए? तब भी चलेगा, क्योंकि ये भी बेटा इंपल्स जनरेट कर रहा, लेकिन सबसे ज्यादा कौन? ऐसे नोड। तो दादागिरी किसकी? ऐसे नोड। दैट्स व्हाई पेस मेकर इज ऐसे नोड। और अगर कार्डियक साइकिल पढ़नी है सही ढंग से तो इसे मत भूलना। तो मुझे बताओ पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा? एट्रियम और फिर वेंट्रिकल। कभी भी एट्रियम और वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मैसेज पहुंचते पहुंचते यहां पर टाइम लगेगा, और तब तक कौन कॉन्ट्रैक्ट हो चुके होंगे? एट्रियम। फिर कौन कॉन्ट्रैक्ट होंगे? वेंट्रिकल। तो पहले सिस्टोल में कौन जाएगा? एट्रियम, बाद में वेंट्रिकल। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। पीछे भेजो देते, पीछे फंस जाओगी तुम। Thank you.